चिल्ड्रन, नेक्स्ट अभी हम स्टडी करेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम सेकंड क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, यानी ये रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रूल कहता है, ये तो आपको समझ में आ गया, लेंस है इसका लेफ्ट साइड में जो भी है वो F1 और C1 होगा और राइट साइड में होगा वो फोकस 2 और C2, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड। ठीक है, देखिए अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये कोई रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट क्रॉस द इज क्रॉस टू द फोकस, ये फोकस को क्रॉस करते हुए मूव करेगी। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट अदर साइड ऑफ द लेंस, जो लेंस के अदर साइड फोकस है, या F2 को क्रॉस करेगी। ठीक है, डायग्राम बना दोगे तो ऑब्वियसली अगर आप डायग्राम में ये पूरा लिखोगे तो सीधा सा मतलब आप करोगे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्रॉस करेगी फोकस को। ठीक है, सेकेंड रूल है इसी का अपोजिट है, इफ अ रे क्रॉस द फोकस, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसे स्ट्राइक हो गए, फिर अगर फोकस से क्रॉस करती हुई रे आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, थर्ड जो है वो बहुत इजी है, इसने बोला कि ए रे दैट इज पास थ्रू द सेंटर ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए रिफ्रैक्ट हो रही है तो वो विदाउट एनी डाइवेशन सेम पाथ फॉलो करेगी, यानी रिफ्रैक्शन के बाद में सेम पाथ फॉलो करेगी जिस पाथ से वो आ रही थी। ठीक है, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए रिफ्रैक्ट होती है। ओके चिल्ड्रंस, तो ये 3 रूल्स थे कॉन्वेक्स लेंसेस में इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, इन्हीं रूल्स को हमें लेके और इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, लेट्स सी।